बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अब्दुल रज़ा दाऊद साहब, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट। मोहतरम शिबली फराज साहब, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिस बेयरर्स ऑफ ICCI एंड मेंबर्स ऑफ ICCI, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम अलैकुम। It gives me immense pleasure to be here, and I must congratulate at the outset those outstanding people who received awards for their achievement. And this is a small consideration and a small recognition, but the major recognition comes from the family and your community when you achieve in and excel in your own fields. Jin halaat se Pakistan guzra hai उनसे आप सब वाकिफ़ हैं। COVID-19 के हवाले से हमारी बड़ी उम्मीदें थीं COVID-19 से पहले कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और ये आप लोगों की तिजारत बहुत तरक्की करना शुरू करेगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम पहले साल में इस हुकूमत ने कर लिए थे के इंस्टीट्यूशंस बनाए। इंस्टीट्यूशंस पर बाद में गुफ्तगू करूंगा, मगर ये कि COVID-19 का मामला जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर एक बड़ा पैनिक हुआ, भी हकीकत से क़ुर्ब रखता था वो पैनिक। और चाइना से मामला जब वहाँ पर पहली मरतबा COVID-19 का पता चला तो हम सब अलर्ट भी हुए और मुख्तलिफ़ अंदाज से दुनिया के ममालिक ने इसका मुकाबला किया। कोई इस बीमारी को नहीं जानता था, आप वाकिफ़ हैं इस बात से, कोई इस बीमारी का इलाज नहीं जानता था। वक्त के साथ साथ कुछ इलाज होने लगे जो सिम्टोमेटिक थे। हमारे यहाँ एक बड़ी बहस चली और टेलीविज़न और मीडिया परेशान था, हमारी डॉक्टर्स कम्यूनिटी बहुत परेशान थी। उन्होंने ये मुसलसल कहा कि टोटल लॉकडाउन करोगे तो मामला रुकेगा, अगर नहीं करोगे तो मामला रुकने का इम्कान नहीं। और वो अल्फाज बार बार हम सुनते रहे कि यहाँ पाकिस्तान में सड़कों पर अमवात होंगी, इलाज फुटपाथ पर होगा क्योंकि अस्पताल सारे भर चुके होंगे, और इस हवाले से पूरी कौम भी परेशान थी। मगर जिस अंदाज से एक रहम दिली के साथ प्राइम मिनिस्टर ने और इस हुकूमत ने इन चीज़ों का मुकाबला किया, मैं ये समझता हूँ कि वो रहम दिली आपकी तिजारत के हवाले से, वो रहम दिली इंसानों के हवाले से और उन लोगों के हवाले से जो आपकी तिजारत का पहिया चलाते हैं उनके साथ, उनकी रोज़ी के एतबार से ये बहुत बड़ा एक कदम था कि पाकिस्तान उन पहले ममालिक में है दुनिया भर में जिसने ये कहा कि इस तरह का लॉकडाउन हम कर नहीं सकते। इस वजह से नहीं कि रिट ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश हो, मुसलसल टेलीविज़न पर एक्सपर्ट्स जो थे वो ये कहते थे कि रिट ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश करो, रोक दो सारे काम। और वो जो मशवरा ऐसा देते थे वो हम जैसे और आप जैसे एलीट से ताल्लुक़ उनका ज़्यादा था, जिनको ये अंदाज़ा नहीं था कि अगर 5 दिन की रोज़ी भी रुक जाती है किसी गरीब आदमी की तो उसके घर का हाल क्या होगा। और आपके पड़ोसी मुल्क ने यही किया, उन्होंने बिल्कुल टोटल लॉकडाउन किया, ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हमें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि तुम अपने घर से 1500 मील दूर हो, लिहाजा आपने ये देखा कि करोड़ों अफराद पैदल लंगे पैर चप्पलों में 1500-1500 मील पैदल चल के अपने घर वापस गए। और एक आपका मुल्क है, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि कहाँ पाकिस्तान में और दुनिया में अब फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। कुछ बातें मोरालिटी की हैं और उनका बहुत वज़न होता है मुस्तकबिल में। आज आप मोरालिटी दिखाते हैं और मुस्तकबिल के अंदर उसके असरात कौम के बच्चे पर और कौम की कल्चर के ऊपर बड़े गहरे असरात होते हैं। एक मोरालिटी की बात आपने की थी और मैं थकता नहीं हूँ ये बात कहते हुए कि आपने अफगान
महाजरीन को पनाह दी 30-35 लाख एक वक्त में, और आज भी 24 से लेकर 27 लाख के एस्टिमेट हैं। वो एक मोरालिटी थी, और वो तरक्की याफ्ता कौमें जो हमें सिखाती रही हैं मोरालिटी, वो आज मेडिटेरेनियन में डूबने देते हैं मगर पनाह नहीं देते। जो हमें सिखाती हैं कि मोरालिटी इसको कहते हैं, ह्यूमन राइट्स इसको कहते हैं, उनके मुकाबले में आपने एक फ़र्क पैदा किया, और रिकग्नाइजेबल फ़र्क है ये। अच्छा, एक तो ये कि कौम के मिजाज पर इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और कल्चर बनता है, और एक ये कि जो दूसरी कौमें ना पहचाने कि अल्लाह ताला देखने वाला है, और वो ये जानता है कि ये कौम अगर इस तरफ जाएगी, जब उसके बंदों का ख्याल करेगी, तो उसकी बरकत भी आती है। तो मैं कोविड 19 के हवाले से, मुझे पूरा यकीन है आप एक कन्फ्यूजन देखेंगे अखबारात के अंदर और तज्जियों के अंदर कि क्या हुआ। दुनिया इस वक्त, दुनिया के अंदर पहला मौका है मेरी ज़िंदगी के अंदर कि मैंने ये देखा कि दुनिया के कुछ ममालिक ये कहते हैं कि पाकिस्तान से सीखो। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कैफियत नहीं देखी कि पाकिस्तान से सीखने की बात हो। तो मुझे और आपको फख्र है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान अब उस नहिज पर आ गया है कि दुनिया की नज़रें इस तरफ आएंगी। मैं जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर अपनी तकरीर कर रहा था, उस दिन मैंने कंपैरिजन किया था कि पाकिस्तान के अंदर कोई 400-500 केसेस थे नए उस दिन, और हिंदुस्तान के अंदर उस दिन कोई 70,000 नए केसेस थे, और आज भी तकरीबन इतना ही फ़र्क है। तो ये आप लोगों की मेहनत इसके अंदर शामिल है, आपकी एजुकेशन, आपने हर एक को आगाह किया कि मास्क पहनो, आप आज भी मास्क पहने हुए तैयारी पकड़े हुए हैं। ये कौम का एक डिसिप्लिन है। जब हमने मसाजिद के अंदर SOPs का ऐलान किया, तो लोगों ने कहा कि ये ब्लैकमेल हो गए, ये हुकूमत ब्लैकमेल हो गई। और हमारा, मेरा ज़ाती तौर पर भी और सारी गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि सबसे डिसिप्लिन तबका वो होता है जो मिसाल के तौर पर फजर पर वज़ू करके मस्जिद जाता है, जोहर पर वज़ू करके मस्जिद जाता है। तो जो मस्जिद जाने वाले लोग हैं, वो अपने ऊपर जब डिसिप्लिन पैदा कर सकते हैं, तो माशरे के अंदर भी उस डिसिप्लिन के असरात नज़र आएंगे। कितना फॉलो हुआ? मगर हुआ, बहुत ज़्यादा फॉलो हुआ। और ये कौम के अंदर से ये डिसिप्लिन निकाला हमने, ये इस डंडे के ज़ोर पर नहीं निकाला कि बंद कर दो और पुलिस लगा दो और फौज लगा दो। ये कौम के अंदर ये आपका डिसिप्लिन है जिसने ये बात दिखाई। तो माशाल्लाह आपने इसके अंदर कामयाबी हासिल की, और उसके साथ साथ जो दूसरी कामयाबी हासिल की, वो जो आपकी फ़िक्र है, आपके आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साहब ने भी ये बात की कि जी कराची के अंदर जो कैफियत है आप हमें बताइए, हम क्या करेंगे। ये जो दर्द है, ये दर्द इस मुल्क की साख बनता जा रहा है। ये दर्द वो दर्द है कि ये मुल्क पाकिस्तान फ़ख्र के साथ ये बात कर सकता है कि मुसीबतों में और मुश्किलात के अंदर जब ये खैरात करने पर आता है, तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक से ज़्यादा आगे बढ़कर गरीब हो जेब में से पैसा निकाल के देता है। मुझे आज तक याद है कि क्वेटा के अंदर जलजला आया, तो मेरे, हमने पार्टी की तरफ से डिफेंस, कराची डिफेंस में कैंप लगाया और पैसे जमा कर रहे थे। तो वो मुझे जब खैरात की बात आती है तो वो वाकया याद आ जाता है कि मेरी बेटी वहाँ बैठी हुई थी, तो एक बच्चा आया मैले कपड़ों में, और उसने कहा कि तुम किस लिए यहाँ बैठी हो? तो उसने कहा कि हम इसलिए बैठे हैं कि जलजला आया है, लोग परेशान हैं। तो उसने कहा कि मेरे पास 5 रुपये हैं, मैं तुम्हें 5 रुपये देता हूँ, मगर तुम बैठी कब तक हो? उसने कहा कि हम 6-7 बजे तक शाम को बैठे हैं। उसने कहा तुम यहीं रहना, मैं शाम तक 10 रुपये और कमा कर लाऊंगा। और ये बच्चा वो था जो आप चौराहों पर और सिग्नल्स पर रोकते हैं तो जो कपड़ा मारते हैं ना आपके शीशों पर गाड़ी के, ये बच्चा वो था। तो ये जज्बा जिस कौम के अंदर हो, मुझे यकीन है कि मुश्किलात के अंदर भी वो कौम अपनी कौम की फिक्र रखेगी, और नतीजा ये होगा कि एक वो मजबूत कौम जिसके अंदर गरीब और अमीर और हुकूमत और आइन जिन चीज़ों का वादा करता है, उस एतबार से वो कौम मजबूत होती जाएगी। तो लिहाजा बिजनेस में
भी जो हुकूमत ने काम किया मैं उसको सराहता हूँ कि 1200 बिलियन रुपीस का फाइनेंशियल पैकेज दिया, जिसके अंदर से बिजनेस को रिफंड करने के एतबार से जो रिफंड्स थे उनको हैंडल किया, 250 अरब के रिफंड्स किए, स्टेट बैंक के रीफाइनेंस स्कीम जिसके ज़रिए आप अपने मुलाजमों की तनख्वाहों का एहतमाम रखें वो भी की, 50 अरब डॉलर एसएमईज को दिए, 50 अरब रुपए एसएमईज को दिए कि कम से कम मज़दूरों की वो यूटिलिटी बिल्स के हवाले से उसकी वो कर लें। मगर असल में तिजारत है क्या, यहाँ पर बात हुई लुक अफ्रीका पॉलिसी की। अच्छा, लुक अफ्रीका तो बड़ी पुरानी चीज़ है और अडॉप्टेड रहनी चाहिए और पाकिस्तान का फोकस बहुत ज़रूरी है। मैं लुक अफ्रीका की तारीख आपको बताऊं कि जिस ज़माने में आपने बड़ा सुना होगा कि कोलंबस है जनाब, वो उसने अमेरिका दरियाफ्त किया और उसके बाद पोर्चुगीज़ और स्पेन की शिप्स गईं, उन्होंने लैटिन अमेरिका के ऊपर अपने झंडे गाड़ दिए, उसी सेंचुरी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, और कोलंबस और इन सब की जो किश्तियाँ थीं, 3-4 किश्तियों पर निकलते थे और जाकर अपना झंडा गाड़ देते थे। चाइना ने लुक अफ्रीका पॉलिसी जब अपनाई, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर यू, और ये मैंने प्रेसिडेंट शी के साथ जब मैं गया था फरवरी या मार्च में तो वहाँ मैंने जिक्र किया, चाइना का सबसे बड़ा नेवल एडमिरल जो था वो मुसलमान था, उसका नाम था जेंग ही। और जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात प्रेसिडेंट शी से बात कर रहा था उस वक्त मैं नाम भूल गया उसका, तो मैंने उनको कहा कि जो जेंग ही था वो मुसलमान था ओरिजिनली और वो चाइना का सबसे बड़ा एडमिरल, उसके पास कोलंबस से पहले की बात कर रहा हूँ, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसके पास ये 3-4 शिप्स पे जाते थे झंडे गाड़ते थे, उसके पास 300 किश्तियाँ थीं, 300, और 300 किश्तियों के साथ उसने 7 ओशनिक ट्रिप्स किए हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक। अब्दुल अज़ीज़ दाऊद साहब तिजारत के लिए आया, झंडे गाड़ने नहीं आया। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन कि वो झंडे गाड़ने नहीं आया, उसने कहीं लड़ाई नहीं की और वो 7 ट्रिप्स किए उसने अफ्रीका तक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इंडोनेशिया और श्रीलंका और हर ओमान और इन सारे रीजन से होता हुआ वो जाता था। और 300 शिप्स में से उसकी किश्तियाँ जो थीं वो कोलंबस जो बाद में आया उससे तिगनी और 4 गुना थी, और आज भी उसके मॉडल्स हैं जो लोग दुबई में, वो कुछ मैंने सुना ये है, मैंने देखा नहीं है, वो कंपैरेटिव मॉडल्स हैं कि जेंग ही की शिप जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा आदमी सवार होते थे और कोलंबस की शिप्स जिनके ऊपर 200-300 लोग जाते थे और वो झंडे गाड़ते फिरे। तो लुक अफ्रीका पॉलिसी फॉर ट्रेड हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम और पाकिस्तान ने अब ये बहुत अच्छा काम शुरू किया। कंग्रेचुलेशंस टू यू रज़ाक दाऊद साहब, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और आपके ट्रेड के हवाले से बेइंतहा पोटेंशियल, और चाइना अगेन इज़ गोइंग फॉरवर्ड विद द लुक अफ्रीका पॉलिसी स्टिल इज। अच्छा जी, असल में आप लोगों ने बिजनेस की बहुत सारी बातें यहाँ पर की भी और लोगों को अवार्ड भी दिया। अच्छा, बिजनेस तरक्की कैसे करता है? आजकल मैं 2-3 किताबें इस बात पर पढ़ रहा हूँ, वाई नेशंस फेल एक किताब है, दूसरी किताब है कि ज्योग्राफी वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर कौमें तरक्की करती हैं और जवाल पाती हैं, और ये मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स तारीख में दिए जाते रहे कि क्यों कौमें तरक्की करती हैं और क्यों कौमें तरक्की नहीं करती, और मैं ये फ़र्क उस नए उभरते हुए पाकिस्तान के अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ, वो फ़र्क है क्या। लोगों ने कहा कि जुग्राफिया और टेम्परेट क्लाइमेट, मिसाल के तौर पर ऐसी क्लाइमेट है जिसके अंदर चीज़ें उगती हैं, उगाई जाती हैं, लिहाजा किसी नेशन की तरक्की में वो क्लाइमेट का बड़ा ज़ोर है, और पूरी किताबें लोगों ने और फ़लसफ़ा लोगों ने इस उभारा कि ज्योग्राफी डिटरमिन्स वाई नेशंस प्रोग्रेस एंड वाई नेशंस फेल। किसी ने कहा कि रेस की अहमियत है, और आप जानते हैं रेस की अहमियत उभर उभर कर तासुब के एतबार से आती है, मगर आर्यन रेस के ऊपर नाजीज़म ने फोकस किया, आजकल हिंदुत्व के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी रेस के ऊपर फोकस हो रहा है, और ये कि अफ्रीकी लोग, ये भी बहस होती रही कि अफ्रीका से लोग जो हैं वो काहिल होते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ खित्तों के अंदर कह दिया जाता है, रेस के ऊपर भी लोगों ने फोकस किया कि जो रेसेस
अल्लाह की तरफ से अक्लमंद हैं, कोई ऐसी रेस नहीं है, सब एक सी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो है ना, सब अरबी और अजमी को बराबर किया। दैट इज़ द बिगेस्ट स्टेटमेंट फॉर इस मुस्लिम्स कि सब बराबर हैं। वो भी लोगों ने कहा कि रेस इज समथिंग। फिर लोगों ने कहा कल्चरल एथिक है कि कल्चर के अंदर ये चीज़ है। मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, और है, और वो कल्चर की चीज़ें अब आप में आ रही हैं और आनी चाहिए। कल्चर की चीज़ आपको बताऊं क्या है। कल्चर की चीज़ ये है कि मज़हब के साथ साथ कल्चर। अर्थक्वेक हुआ पाकिस्तान में तो लोगों ने जिस तरह से खैरात किया, जापान के अंदर जब वो सुनामी आया तो लोग लाइन लगाते थे 100-100 आदमियों की एक बोतल पानी लेने के लिए, मगर उसको ब्रेक नहीं करते थे। यह है कल्चरल एथिक, ये भी है, मगर टोटल जिम्मेदार यकीनन कल्चरल एथिक नहीं है। लोगों ने कहा मज़हब की एथिक, और यूरोप ने कहा कि जब प्रोटेस्टेंट चेंज आया तो प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक जो है उसने यूरोप को बदला। और मुसलमान, हम ये समझते हैं कि मुसलमानों की ऑनेस्टी की एथिक अगर तिजारत के अंदर हो तो ये एक कल्चर दुनिया के अंदर ऐसा इस्टेब्लिश करेगा कि जबान लिखी हुई चीज़ों पर भी भारी होगी, लिखी हुई चीज़ें भी होंगी, बट कमिटमेंट टू ऑनेस्टी पाकिस्तान के ट्रेडर के अंदर हम देखना चाहते हैं। मगर असल चीज़ क्या है जो पाकिस्तान के अंदर अब हो रही है? असल चीज़ ये है, लोगों ने यह भी कहा कि मईशत के उसूल नहीं जानते। जो नहीं जानता, जो कौमें अनपढ़ हैं, जहाँ पर मईशत के उसूल नहीं जानते, वहाँ पर कौम तरक्की नहीं करती। मगर असल चीज़ जो है वो है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस जैसे बनते हैं, टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, सब्र के साथ चलना पड़ता है, मगर इंस्टीट्यूशंस जिस कौम के अंदर बनने शुरू होते हैं और बनते हैं, वो कौमें तरक्की करती हैं। और आप बरतानिया की मिसाल सबसे पहले देख लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे, बनने शुरू हो गए थे, और उसके साथ साथ जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इंस्टीट्यूशंस भी तैयार थे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के साथ साथ उससे पहले फाइनेंसिंग, बैंकिंग एंड ट्रेड के एतबार से यूरोप के अंदर, वेनिस के अंदर और इटली के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू हो गए। तो जैसे ही तिजारत और इंडस्ट्री आई तो वो लेंडिंग का मामला इतना कन्फर्म हो चुका था कि जिसके अंदर लेंडर्स बने और उसके बाद से स्पॉन्सरशिप हुई। सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप जिसने हिंदुस्तान को असर किया वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स फ्लोट हुए इंग्लैंड में, और कब फ्लोट हुए? जब फ्लोट हुए, जब स्पेन और पोर्चुगल अमेरिका, लैटिन अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका पर सब पहुंच चुके थे, तो इंग्लैंड के लोगों ने यह सोचा कि इंडिया जैसा दुनिया का रईस तरीन मुल्क, वहां पर ना हमारी ट्रेड है ना कुछ, तो ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी बनी और शेयर्स फ्लोट हुए। 300 लोगों ने उसमें शेयर्स खरीदे, और वो इन्वेस्टमेंट, फिर आप तारीख जानते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट उनके लिए कितना कामयाब रहा और कितना पैसा उन्होंने अर्न किया। बट इट वॉज द इंस्टीट्यूशंस। एंड वन मोर थिंग, इन इंस्टीट्यूशंस के साथ सियासी फैसले बहुत ज़रूरी हैं। यानी सियासी फैसले इंस्टीट्यूशंस बनाने में और इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान इज़ एट द कटिंग एज राइट नाउ, पाकिस्तान इज़ एट द टिपिंग पॉइंट राइट नाउ। पाकिस्तान के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोग्रेस, ऑफ तिजारत, ऑफ ट्रेड, ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ बिजनेस, ये सारे इंग्रेडिएंट्स छोटे छोटे सैकड़ों की तादाद में अब अंदर आ रहे हैं, जिसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप पकड़ लिए, किसी एक एक पॉलिसी को पकड़ लें। इंस्टीट्यूशंस के एतबार से, यहाँ इस बात का भी जिक्र हुआ कि इंस्टीट्यूशंस के एतबार से कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी को कमिट किया जाए। और कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, आपकी मार्केटिंग जो है वो अल्लाह की तरफ से इतनी अच्छी हुई है टूरिज़्म में कि हुकूमत पीछे भी होगी, मगर आवाम जो है कभी किसी इंडस्ट्री को लेकर खुद चल बैठता है। और आपने सुना होगा कि गिलगित बल्तिस्तान, जिसकी अपनी पॉपुलेशन कोई 12-15 लाख है, 12 लाख होते हैं, 3 लाख इस्लामाबाद, कराची और हर तरफ होते हैं, उसमें पिछले साल कोविड से पहले 15 लाख टूरिस्ट ज़रूर गए, 15 लाख। अच्छा, सड़कों का इंतज़ार भी नहीं करता टूरिस्ट, ये दूसरी बात है कि वहाँ से वो कैमरे पर वो वीडियो लेकर भेजेगा कि देखो सड़क इतनी खराब थी, मगर ये कि सड़क का भी वो इंतज़ार नहीं करता। द टूरिस्ट इज देयर एंड इट विल ड्रैग द गवर्नमेंट टू डू समथिंग गुड। गवर्नमेंट
कभी कुछ चीज़ों के अंदर इतना बूस्ट आएगा कि गवर्नमेंट शायद पीछे भी हो मगर पाकिस्तानी उसको लेकर आगे जाएगा। यही मामला ट्रेड का है, यही मामला आप सियालकोट के अंदर आप देखिए कि 200-300 साल पुरानी इंडस्ट्री छुरी बनाने की और इन चीज़ों की बनाने की, अब वो 300-400 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करती है। दैट एक्सपोर्ट इज रीब्रांडेड, only rebranded and resold for 4-5 billion dollars because we don't have branding. Yani branding jo made in Pakistan ki pride hai aur jo branding hai jo Razak sahab inshallah aur this government should start developing is made the pride in your own whatever you sell to the world, the pride in that wo branding kare mango ke hawale se. Aapki madad ke sath और अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने ये सोचा कि सबसे अच्छी चीज़ ये कि प्रेसिडेंट हाउस से गिफ्ट चला जाए टू 40 or 30 or 40 or 50 प्रेसिडेंट्स कि जिनके घर जाएगा वो मैंगो खाएंगे ज़रूर, इससे सस्ता प्रोपगेशन नहीं हो सकता। हमने इस तरह से भी इस बात को प्रोपगेट किया। तो कीप अलर्ट, यू आर अ चेंजिंग नेशन एंड फास्ट चेंजिंग नेशन। यू सी इस साल तो आपने उसके असरात देख लिए, इस तरह साल दुनिया कहती रही कि एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, सब तबाह हो रहा है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज ने इसके अंदर भरोसा किया, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की पॉलिसीज पर भरोसा किया। इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्टॉक एक्सचेंज इन द रीजन, देयर मस्ट बी समथिंग टू इट। पीपल आर रिकग्नाइजिंग, पीपल आर लाइक यू आर लुकिंग एट द कंस्ट्रक्शन पैकेज एंड अदर पैकेजेस बीइंग ऑफर्ड बाय दिस गवर्नमेंट एंड आर रिकग्नाइजिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ पाकिस्तान विच इज इमर्जिंग फ्रॉम अ हिस्ट्री विच हैज बीन गुड बट एट द सेम टाइम वेयर शैकल्स हैव बीन पुट ऑन पीपल, शैकल्स ऑफ करप्शन होंगे, शैकल्स ऑफ मिसमैनेजमेंट होंगे, आपने वो जंजीरें तोड़कर अब यू हैव स्टार्टेड टू राइज, रिकग्नाइज दैट। ये चेंजिंग पॉइंट है इन हिस्ट्री है, टेक प्राइड इन द फैक्ट कि यू आर अ पाकिस्तानी, टेक प्राइड इन द फैक्ट कि यू हैव लेड द वर्ल्ड इन एन एपिसोड द वर्ल्ड विच डिड नॉट नो मच अबाउट, जैसे COVID-19 वाला आपने उसके अंदर लीड किया, आपने वर्ल्ड को मोरालिटी के अंदर लीड किया। तो पाकिस्तान चेंज हो रहा है, मैं आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये कोविड के बाद ये पहला ओकेजन है कि आई एम हियर और आप लोग भी एक बड़े फंक्शन के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमको इन चीज़ों से आज़ाद रखे और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि आपकी कोशिशें, इस गवर्नमेंट की कोशिशें, इन मिनिस्टर्स की कोशिशें, प्राइम मिनिस्टर की कोशिशें, इन सब को अल्लाह कामयाब करे। उसकी बरकत के बगैर कुछ नहीं होता। अगर ये भरोसा आपके जहनों में और दिलों में आ जाए तो तारिक बिन ज़ियाद की तरह यू विल बर्न योर बोट्स बिकॉज यू विल हैव कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। शुक्रिया जनाब, लेडीज एंड जेंटलमैन।